ही देखना है, मैं बता लव आजकल देखना है वैलेंटाइन डे के दिन, और क्या करना है क्या करने वाले? नहीं आएंगे, इसे क्या पूछ रहे थे? नहीं आओगे साथ में? और नहीं तो क्या, हमारी पिक्चर है, और किसके साथ चले जाओगे? आते हैं यार, आते हैं यार। नहीं नहीं नहीं, हम दोनों मूवी देखने जाएंगे उस रात को, और दिन में, और दिन में, और दिन में हम दोनों लव आजकल देखेंगे उस रात। इट्स अ डेट नाइट, 14th February या 13th February, दोनों रात को हम सेम मूवी देखेंगे। कार्तिक, आप हमेशा जब बात होती है सारा के साथ, यू नो जब से फिल्म अनाउंस हुई थी तब से आप दोनों के रोमांस की या जो भी चर्चा खूब हुई थी, आप सबने खूब पढ़ा, मतलब इतनी चर्चा पिछले कई सालों में किसी जोड़ी की नहीं हुई थी। और आप जब भी आप कैमरे में आते थे 10-15 सेकंड में अपनी मतलब शर्मा के भाग जाते थे, कभी आप पसीने पसीने हो जाते थे और ऐसा लगता था सारा ही आपके पीछे पड़ी है। आज आप भागेगा मत, अच्छे से अपनी बात कहिए, क्या चल रहा है? आज तो फिल्म का ऑफिशियल ट्रेलर लॉन्च है। सर जब इन्होंने बोला था ना कैमरे पे कि जो, जब इन्होंने नेशनल टेलीविजन पे बोला था उस टाइम मुझे इन पे क्रश आता है उस टाइम से, तो फिर तभी मैं फिर शर्माने लगा था हर बार। हाँ जी लेकिन मैं क्या जवाब दूं, आप बताइए क्या जवाब, कभी आप कुछ ऐसे सवाल, वो तो आपको पता है। एक टाइम था जब रणवीर सिंह ने के इवेंट में आपको सारा अली खान से दोस्ती करवाई थी हैंडशेक करवा के, और एक आज टाइम है जब आप दोनों की बॉन्डिंग इतनी अच्छी हो गई कि फिल्म तक आ गई और फिल्म में भी दिख रही है बॉन्डिंग, तो कितना क्रेडिट आप रणवीर सिंह को देते हैं? एक बार और बोलो, एक बार और अच्छे से एक बार और बोलो, फिल्म में बॉन्डिंग दिख रही है, फिल्म में बॉन्डिंग आप दोनों की बहुत अच्छी दिख रही है, तो कितना क्रेडिट आप रणवीर सिंह को देते हैं? आप कितना क्रेडिट रणवीर सिंह को देते हैं क्योंकि वहीं दोस्ती करवाए, कितना क्रेडिट रणवीर सिंह को देते हैं? किस चीज का? रणवीर सिंह ने आपकी, हमारी बॉन्डिंग का, हाँ बहुत अच्छा बॉन्ड है बहुत। रणवीर सिंह को कितना क्रेडिट देते हैं क्योंकि उन्होंने दोस्ती करवाई थी आपकी? बहुत अच्छे से दोस्ती करवाई थी इनफैक्ट, और रणवीर जैसे जिस तरीके से है बहुत खुले खुले से है, जिस तरीके से उन्होंने हम दोनों को वहाँ पे मिलवाया था, जिस तरीके से पूरा प्रोसेस हमारा रहा है जब से हम लोगों ने पहली मीटिंग की थी, फर्स्ट मीटिंग जब पहली बार मुझे एक्चुअली कॉल आया था एंड सर ने बोला था कि हेलो दिस इज कार्तिक, दिस इज इम्तियाज अली, एंड तो मैं, मुझे याद है मैं एक्चुअली उस टाइम लुक्का छुपी की शूट कर रहा था, तब मुझे कॉल आया था और मैंने अपने आप को वैनिटी में बंद कर लिया था और मैंने बोला था कि मैं वॉशरूम चला गया हूँ और जितनी देर तक ये कॉल चलता रहेगा उतना वॉशरूम में बैठा हूँ तो मैंने बहाना किया था सेट में ताकि कोई डिस्टर्ब ना करे, और हमने करीब 45 मिनट शायद से उस फोन कॉल पे, फर्स्ट फोन कॉल पे बात की थी। खबर मेरे पास नहीं थी, ये खबर मिल रही थी क्योंकि वो ऐसा अपसेट स्टमक, बट दिस वॉज हैपनिंग देन एंड सो आई थिंक मतलब इट्स बीन अ वंडरफुल वंडरफुल जर्नी, मेरे लिए बहुत बहुत ज्यादा बड़ी बात है। जब सर ने मेरे को एक्चुअली हम लोग जब बात भी किए थे तो हमने किसी और चीज के लिए बात की थी, इवेंचुअली लव आजकल हैपेंड एंड इट्स लाइक अ ड्रीम, मैं मतलब सपना जी रहा हूं वैसा मुझे लगता है।